नमस्कार। पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पिछले 10 दिनों से चल रहा है, और धरना स्थल से ही आप सब लोगों से मैं अपील करने, आग्रह करने आप सब लोगों से जुड़ रहा हूं। पहले तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी महाविद्यालय हैं उनके सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, और अजमेर के साथियों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर उन्होंने तेजी देने का काम किया है, उनका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी जितने भी जिले हैं, जितने भी महाविद्यालय जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपने जिले के अंदर, अपने महाविद्यालय के अंदर इस आंदोलन को तेजी देने का काम करें, वहां विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये चेताने का काम करें कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला एक एक विद्यार्थी एकजुट है और इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही बीकानेर के जितने भी महाविद्यालय हैं या पूरे राजस्थान के जितने भी नौजवान साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों की इस लड़ाई के अंदर, जब पिछले 10 दिनों से छात्र 47 डिग्री तापमान के अंदर पूरे दिन बैठे रहते हैं और कुलपति जो आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, उनकी मंशा केवल सरकार की छवि खराब करना है। इस संकट के दौर के अंदर पूरे प्रदेश के नौजवानों से मेरा निवेदन है कि BTU हैशटैग का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया की क्रांति के माध्यम से यह चेताने का काम करें कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी विद्यार्थियों के ऊपर संकट आएगा तो पूरा प्रदेश का विद्यार्थी जगत एकजुट है और उस संकट के अंदर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। मेरा यह आग्रह पुनः आप सब लोगों से, मुझे पूरा विश्वास है कि संकट के दौर के अंदर आप सब लोग एकजुट होकर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की आवाज बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।